सीतापुर जिले में एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना मोहाली पर मामला पंजीकृत किया गया था। बता दें, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा घटना की गहनता पूर्वक विस्तृत जांच कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जांच टीम का गठन किया गया था। जानकारी के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट जांच अधिकारी एवं क्षेत्र अधिकारी मोहाली के नेतृत्व में थाना मोहाली पुलिस टीम द्वारा घटना की गहन जांच करते हुए घटना का सफल अनावरण कर संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एवं एक तमंचा एवं दो खोखा कारतूस एवं तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने नौकर के साथ साठगांठ कर अपने पिता की हत्या करना स्वीकार किया है। सीतारामपुर गांव में जो थाना मोहाली क्षेत्रांतर्गत पड़ता है, एक व्यक्ति श्री राम निवास, उनकी हत्या हुई थी। उस संबंध में जो इसका नौकर था, जो साथ में सोया हुआ था, वो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। वो नौकर जब हमारे पास पकड़ में आया और उसके बाद जो हमने उससे पूछताछ की और अन्य सुसंगत साक्ष्य एकत्र किए, तो समग्र परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि जो मृतक का पुत्र है, रणधीर नाम है उसका, वो रणधीर इसके अपने जो नौकर सोया हुआ था जिसका नाम लाला राम है, उसके साथ साठगांठ करके स्वयं पुत्र ने अपने पिता की हत्या कारित किया जाना स्वीकार किया पूछताछ में। और इस घटनाक्रम का यह जो खुलासा हुआ है, वह उससे यह स्पष्ट हुआ कि जो पुत्र था उसके पिता के साथ संबंध अपने ठीक नहीं थे। और उसने स्वीकारा कि मैं काफ़ी दिन से ये बना रहा था, दिमाग में कशमकस में था, लेकिन जब नौकर के साथ उसकी बातचीत हो गई कि ये घटना खारिज करेंगे और नौकर उसके विश्वास में आ गया, तब उसने घटना खारिज की है। घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो पूरी उसकी योजना थी, वो सब पुलिस के सामने स्पष्ट हुई है, वो हमने सब बरामद कर लिया है।